गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है 5 जनवरी, सुबह की शुरुआत हुई 4:20 पे। यूपीएससी के लिए मेरा प्यार बहुत ही गहरा है। यूपीएससी के लिए मैं आज कुछ लाइनें बोलना चाहती हूँ। मैं आज बोलती हूँ, मैं तुमको पूजती हूँ। मैं आज बोलती हूँ, मैं तुमको पूजती हूँ। मैं तुझ में खो गई हूँ, मैं तुझ में खो गई हूँ और खुद को ढूँढती हूँ। अब यूपीएससी मुझसे रिप्लाई चाहती है कि अच्छा, मुझसे इतना प्यार तो पहले क्यों नहीं किया, अभी क्यों। मैं भी यही सोच रही थी कि पहले क्यों नहीं किया, क्योंकि बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। तो मैं एक ही रिप्लाई में बोलना चाहूँगी, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। हाँ, मुझे HPSC ने धोखा दिया है, मैं भी धोखा खाए हुए हूँ। क्योंकि पहले HTET प्रिपेयर करना, फिर HPSC स्क्रीनिंग, PGT कंप्यूटर साइंस के लिए मैं तैयारी कर रही थी 2019, उसके बाद हरियाणा सरकार ने उस भर्ती को इतना लटका दिया। फिर HPSC PGT डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की तैयारी 2023, जब पेपर से 2 दिन पहले रोल नंबर आपकी टेबल पे पड़ा हो, आप तैयारी के साथ पूरा जोश के साथ खड़े हो कि 2 दिन बाद पेपर दे के आना है, और आपको ये खबर मिलती है कि आपका पेपर तो कैंसिल हो गया, कोर्ट भर्ती में लटक गया। 2024 अप्रैल में उसकी हियरिंग है अभी। तो यही मैं कह रही हूँ कि मैं भी धोखा खाए हुए हूँ जो मुझे हरियाणा सरकार की HPSC ने दिया है। चलिए कोई बात नहीं, देर से ही सही, भटकते भटकते हम UPSC की तरफ आ तो गए। यहीं से तो जोश आया कि चलो कोई ना, ये पेपर, ये भर्ती लटक गई, बट इतना ही मन है पढ़ाई करने का, इतना ही जुनून है, तो क्यों ना UPSC को ट्राई किया जाए। उम्र 32 साल तक है, लेकिन अभी 30 साल है मेरी, 2 साल इसका एक्सपीरियंस लेते हैं। साथ ही साथ HPSC का जो HCS निकलता है, हरियाणा सिविल सर्विस एग्ज़ाम, उसकी हम प्रिपरेशन करेंगे। अगर उम्र 32 की निकल गई तो उसके बाद फिर उसको देखेंगे। और जो मेरा UPSC से प्यार है ना, वो यूं ही नहीं है कि 4-5 दिन में कोई भूत सवार हो गया है वो उतर जाएगा, नहीं। क्योंकि मुझे पता है UPSC एक ऐसी जर्नी है जिसमें ऐसा नहीं है कि आप 2 साल पढ़ लिए और आपका चलो हो भी गया, और आप फिर सपने देखने लग जाओ कि ठीक है 2 ही साल तो पढ़ना है, उसके आगे तो फिर ऐश ही ऐश है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस लबासना के आप सपने देख रहे हो ना, आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे जाके इससे भी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं है तो मैं बता दूँ कि लबासना में जाके पढ़ाई करनी होती है, वहाँ पे भी 59% के अराउंड आपको मार्क्स लाने होते हैं। तो ये सफ़र यूं ही ख़त्म नहीं हो जाता, खुद से मोटिवेशन मिले तभी इस जर्नी को करने का इरादा करना। नहीं तो ये मत करते रह जाना कि सिर्फ 2 साल 3 साल, नहीं। जो मेरे अंदर जुनून है, मुझे पता है कि मैं 2-3 साल में भी हार नहीं मानने वाली। अब चाहे मेरी उम्र 32 की क्यों ना हो जाए, UPSC नहीं हो पाए तो मैं HCS का ट्राई करूँगी, और पढ़ते रहूँगी जब तक उम्र है, जब तक कुछ कर सकती हूँ तब तक करती रहूँगी, वो भी जॉब के साथ, फैमिली को संभालते हुए, सब चीज़ों के साथ। बहुत सारी बाधाएं आएंगी, मुझे पता है, जीवन इतना आसान नहीं है, एक दिन कैसा है दूसरा दिन कैसा है। तो उन बाधाओं को मैं एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ, नहीं विघ्न बाधाओं को हम स्वयं बुलाने जाते हैं, फिर भी यदि वो आ जाएं तो कभी नहीं घबराते हैं। मेरे मत से
विपदाएं हैं प्राकृतिक परीक्षाएं, इनसे वही डरे जिनकी हो कच्ची शिक्षा दीक्षाएं। और मेरी शिक्षा दीक्षा इतनी कच्ची नहीं है, मैंने ये खुद से ठाना है, खुद से मोटिवेट हुई हूँ और मुझे ये करना है। हार नहीं माननी है चाहे कितनी ही विकट परिस्थितियाँ आएं। थोड़े दिन में हम करंट अफेयर्स के लिए पेपर रीडिंग भी स्टार्ट करेंगे, न्यूज़पेपर रीडिंग, क्योंकि कुछ लाइफ हमें ऐसी जीनी है कि हमें पेपर के बाद भी तो यही जीनी है। किसी का पेपर क्लियर हो जाए, यूपीएससी क्लियर हो जाए, उसको जॉब मिलेगी, या फिर एचसीएस क्लियर हो जाए, उसको जॉब मिलेगी, तो बाद में भी तो उसको न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डालनी है ना, बाद में भी तो उसको पढ़ना है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। तो क्यों ना हम यही शुरुआत अभी से की जाए। मेरी 3-4 दिन की और थोड़ी सी मजबूरियां हैं, उसके बाद पेपर रीडिंग भी शुरू करनी है। एक क्वेश्चन मन में रहता है हमेशा कि टाइम टेबल कैसा हो, बेस्ट टाइम टेबल कैसा हो। देखिए, अगर आप इस तरह का टाइम टेबल बना रहे हैं ना कि वेकअप एट 4 AM, देन ब्रेकफास्ट एट 8 AM एंड देन सो ऑन, तो ये टाइम टेबल दुनिया का सबसे घटिया टाइम टेबल है, क्योंकि आप ये बनाते हो किसी और को देख के या फिर खुद के जोश से भी। आपने एक दिन बना लिया, उसको आप यकीन मानिए एक हफ्ते से ज़्यादा फॉलो कर ही नहीं सकते। आपका टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए सिंपल सा, 6 hours की स्लीप। अगर ये जो मैं लिख रही हूँ ना, ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा मत जाइएगा प्लीज़, इससे कम कर सकते हैं। आपकी नींद का कोटा 5 hours में, 5 hours में पूरा हो रहा है तो देन इट्स ओके, आप उसको फॉलो कीजिए, बट 6 hours से ज़्यादा नहीं। देन 30-45 minutes का नैप, ये भी मैं मैक्सिमम बता रही हूँ। किसी का नैप दिन में 15 minutes में कम्प्लीट हो जाता है 10 minutes में, तो वो भी ओके है, आप उतना कर सकते हैं, लेकिन 30-45 मिनट से ज़्यादा नहीं जाना है। लेकिन एक नैप दिन में ज़रूर रखिएगा। डोंट वेस्ट इवन इफ़ यू गेट 10 minutes, एंड सोशल मीडिया से तो दूर ही रहिएगा। ये होता है बेस्ट टाइम टेबल, जिसमें आपका माइंड आपको ट्रेन करता है कि मुझे यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना, हाँ ये ज़रूरी है, इसको मैं स्किप नहीं कर सकता, इसको मुझे करना पड़ेगा। अब मैं अपना एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ कि जैसे अभी ये जो भी टाइम हुआ है, इसमें मैं जूस लेके अपना निकली हूँ कि मुझे जाके और अभी बस पढ़ाई करनी है अपनी। लेकिन इसी टाइम पे मदर इन लॉ जो हैं वो मुझे बुलाते हैं कि नहीं, अभी थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओ। वो अच्छा फील नहीं कर रहे थे, उन्होंने मुझे बोला। अगर मैं टाइम टेबल मेरा इतना रिजिड होता तो मुझे बहुत बुरा लग रहा होता कि अरे ये तो मेरा पढ़ने का टाइम है, ये तो वेस्ट हो जाएगा, और मैं बाद में भी रिग्रेट कर रही होती। लेकिन मैंने अपने टाइम टेबल में इतना फ्लेक्सिबिलिटी रखी है ना कि उन्होंने मुझे बुलाया, मैं बहुत खुश होकर गई, बहुत खुश होकर उनके पास बैठी, टाइम स्पेंड किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मुझे पता था अभी नहीं सही, थोड़ी देर बाद पढ़ लूँगी, और फिर भी नहीं टाइम मिला तो रात को पढ़ लूँगी, रात तो अपनी है, और सुबह जल्दी उठी थी तो तब भी कुछ ना कुछ पढ़ाई तो हो गई थी। तो अपने टाइम टेबल में फ्लेक्सिबिलिटी रखोगे ना तो आप हमेशा खुश होकर पढ़ाई करोगे, कभी ऐसे नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे माइंड में कि 6 से 7 तो ये करना था, 7 से 8 तो ये पढ़ना था, अब हिस्ट्री का टाइम था ये तो निकल ही गया, अब मैं क्या करूं। तो इसलिए आप फ्लेक्सिबल टाइम टेबल रखिए, और लॉन्ग टर्म में ना वही आपके काम आएगा। ये जो मेरा तजुर्बा है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इन आँखों में ये डार्क सर्कल ऐसे ही नहीं हुए, इन आँखों पे ये स्पेक्स ऐसे ही नहीं लगे हैं। कुछ न कुछ मैंने थोड़ा बहुत सही, ज़्यादा हाई फाई नहीं, बट कुछ न कुछ अचीव किया है, कुछ पेपर भी दिए हैं, उनको क्लियर भी किया है। तो उन्हीं सब के तजुर्बे से ये बातें मैं आपको बता रही हूँ। अब पेपरों से पहले इससे अलग टाइम टेबल होगा, उसमें आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई को, और वो आपको देनी नहीं पड़ेगी, आपका माइंड आपको खुद ये बोलेगा। आप सोचिए, आप कोई पेपर देने गए हों कभी और पेपर में सिर्फ 1 हफ्ता 10 दिन बचे हों, तो कभी आपने टाइम वेस्ट किया है या करने की सोची भी हो? सोच भी नहीं सकते आप। आपका माइंड खुद आपको ट्रेन करता है कि अरे ये चीज़ मैं इतना जल्दी कर लेता हूँ नहीं तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, मुझे ये भी कवर करना है, मुझे वो भी कवर करना है। तो उन दिनों के लिए तो आपको वैसे ही टाइम टेबल की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि वो टाइम ही आपको सारा पढ़ाई पे ही देना है, वो दिन के 12 घंटे हो, दिन के 14 घंटे हो। हाँ, शुरू में आप नहीं पढ़ सकते इतना, लॉन्ग टर्म में नहीं पढ़ सकते, लेकिन हफ्ता 10 दिन आपको 20 घंटे भी पढ़ लोगे आप, जब पेपर आपका नज़दीक आने लगेगा। तो टाइम टेबल की आपको कभी भी ज़रूरत नहीं है, 2-3 सालों के लिए लॉन्ग टर्म की जरूरत, लॉन्ग टर्म में ज़रूरत नहीं है। और जब पेपर के 10-15 दिन बच जाएँ तब तो है ही नहीं नीड, आपका माइंड खुद आपका टाइम टेबल बनेगा उस टाइम पे। सो नेक्स्ट टाइम डोंट सर्च ऑन यूट्यूब और गूगल फॉर ए टाइम टेबल फॉर यू। कोई और आपके लिए टाइम टेबल नहीं बना सकता, किसी को क्या पता आपका रूटीन क्या रहने वाला है। अरे किसी को क्या, आपको खुद को पता है कि आज आपका दिन सुबह से लेके अब तक ऐसा बीता है, तो क्या आने वाला कल भी सेम ऐसे ही रूटीन चलने वाला है, या फिर जैसा आपका आज है क्या बीता हुआ कल आपका सेम था? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। किसी दिन आप 10 घंटे पढ़ रहे होगे, किसी दिन आप 5 घंटे पढ़ रहे होगे, भले ही आप वर्किंग ना हो, भले ही आप हाउसवाइफ भी ना हो, आप एक ऐसे बंदे हो जो वेले हो, लेकिन फिर भी आप रिजिडली टाइम टेबल फॉलो नहीं कर सकते। और अगर आप एक हाउसवाइफ हो, आप वर्किंग हो, तो फिर तो कहने ही क्या। तो इसलिए अपने टाइम टेबल में फ्लेक्सिबिलिटी आपको रखनी होगी, सारे दिन एक जैसे नहीं होते, ये माइंड में बिठा लीजिए, और इस हिसाब से खुद का टाइम टेबल खुद के माइंड में सेट करिए। तो इसी भागदौड़ के साथ आज का दिन भी समाप्त हुआ। गुड नाइट एवरीवन। लेकिन मेरी नाइट अभी नहीं हुई है, थोड़ी सी और पढ़ाई करेंगे। आँखों में थोड़ा सा स्ट्रेस लग रहा था इसलिए आई ड्रॉप डालेंगे। आपको भी लगे कभी पढ़ते हुए आईज़ में स्ट्रेस, तो आई ड्रॉप हमेशा अपने पास रखिएगा। जब भी स्ट्रेस हो, स्ट्रेस को दूर भगाइए और अपनी लाइफ में, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए।